नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में किसी की मदद करते हुए खुद को देखा है तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ, साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, तो आइए हम लोग बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में किसी की मदद करना एक बेहद ही शुभ संकेत देने वाला स्वप्न है। सपने में अपने आप को किसी की मदद करते हुए देखना भविष्य में जल्दी सफलता मिलने, नई योजनाओं या नए चरण के शुरू होने, समृद्धि, जीवन में संतुष्टि, समस्याओं से बाहर निकलने तथा दूसरों के साथ सहयोग और मानवता का प्रतीक होता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्वप्न है और यही दर्शाता है कि आप एक बेहद ही अच्छे व्यक्ति, एक इंसान हैं। अगर आप ऐसा स्वप्न देख रहे हैं तो आपको सावधान ये रहना चाहिए कि आपको इस सपने को किसी से बताना नहीं चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ आपने ऐसा शुभ स्वप्न देखा है। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इस सपने को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि आप इस सपने को ज़्यादा से लोगों से बताएंगे, शेयर करेंगे तो उसका जो शुभ परिणाम है वो कम होगा। तो खुद तक ही सीमित रखें तो अच्छा होगा। तो अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो इस सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, तो अब यदि बात की जाए कि आप अगर ऐसे स्वप्न देख रहे हैं तो आपको और कौन से उपाय करने चाहिए। तो आपको अगर ऐसे स्वप्न आप देखते हैं, आपको सबसे पहली बात आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इष्ट देवता से भी प्रार्थना करें कि वो आपको इस सपने का उचित फल प्रदान करें। तो अगर आपको अभी तक हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका हम एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है दर्शकों, और हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं उसका ये फल है। तो अगर आप सभी को ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे भी। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। राधे राधे।